प्रदेश में बड़वानी, खंडवा, धार सहित कई जगह नगरीय निकाय चुनाव में मतदान जारी है। 23 जनवरी को इन चुनावों के नतीजे आएंगे। ठंड के चलते मतदान की गति धीमी है। इसी बीच धार में पुलिस ने फर्जी मतदान करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला धार के वार्ड नंबर 21 का है, जहां यह युवक फर्जी मतदान करने आया था। धार जिले में सर्द मौसम के बीच में मतदान चल रहा है। 11 बजे तक जिले में औसत रूप से 18% मतदान हो चुका था। इधर धार में मतदान के दौरान उत्साहजनक तस्वीरें भी देखने को मिली है। इसमें से मुख्य रूप से दुल्हन अपनी विदाई के पहले मतदान किया और फिर नवविवाहिता बेटी धार से अपने ससुराल के लिए रवाना हुई। इधर धार के वार्ड क्रमांक 22 के आनंदेश्वर स्थित मतदान केंद्र 77-78 पर कांग्रेस के एजेंट ने एक व्यक्ति को फर्जी मतदान करते हुए पकड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट अमित सोनी ने तत्काल ही इसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल वितरण की प्रतीक्षा की जा रही है। ये फर्जी वोट कर रहा है। 77 और 78 नंबर में बूथ पोलिंग पे फर्जी वोटिंग कर रहा है। फर्जी वोटिंग हो रही, फर्जी वोटिंग। बना उसकी क्या फर्जी वोट कर रहे हैं भाई? इसको लाइव चलाओ। राउटिंग लिस्ट नहीं खुली? हाँ, राउटिंग लिस्ट है। ये कैमरे पर क्या नंबर है? नहीं है तो बोलेंगे मुझे जा रहे हैं। हाँ, तुमसे ना बस वो तैयार रखो, वहाँ पे सब कोठा टाइप का लिखो सब।